Okay, so बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे अपना शॉपिंग साइट, जिसमें हमने जो है ना अपना एक व्यू डिज़ाइन कर लिया था, और उसके अंदर हमने एड टू कार्ट का भी काम करवा लिया था। बिफोर सपोज अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर वन क्वांटिटी में इसको एड टू कार्ट कर रहा हूँ विद 1000 प्राइस, क्योंकि इसकी प्राइस ही 1000 है, तो ये बैकग्राउंड में मेरे पास एड हो गया था कार्ट के अंदर। और आज जो हमने काम करना था वो व्यू कार्ड पे करना था, जिसका मैंने थोड़ा सा सिर्फ आपको ये करके दिखाया था कि उसको सिर्फ प्रिंट आउट करके एरे फॉर्म में, जैसे मुझे मेरे पास आ रहा था कि जीरो इंडेक्स पे मेरे पास शर्ट का नेम आ रहा था, एंड वन पे मेरे पास 1000 आ रहा था, एंड सेकंड इंडेक्स पे मेरे पास उसकी क्वांटिटी आ रही थी ना। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने करना क्या है कि यहाँ पे व्यू कार्ड का जो मेरे पास पेज बना हुआ था, इसके अंदर अब मैंने बनाना है अपना टेबल, ताकि इसको मैं अच्छे से टेबल के अंदर डिजाइन कर सकूं। ठीक है, मैंने टेबल एचटीएमएल टेबल बनाऊंगा। ठीक है भाई, 14 सीरियल नंबर, सेकेंड फोर योर प्रोडक्ट नेम, एंड थर्ड फोर। अब देखें कुछ इस तरह से मैं देखूंगा कि नेम प्राइस एंड क्वांटिटी के हिसाब से आ रहा है, तो भाई सेकेंड पे फिर मेरे पास होगी प्राइस, एंड देन मेरे पास होगा क्वांटिटी। ठीक है, एंड देन मेरे पास मैं अलग से यानी कि दो और कॉलम्स बनाऊंगा विद द नेम ऑफ अपडेट टू अपडेट योर कार्ट एंड फॉर डिलीट टू डिलीट योर कार्ट। ठीक है, वो पर्टिकुलर कार्ट ही बस डिलीट हो जाएगा जो कि आपने परचेस करना है। ठीक है, टेबल बॉडी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मेरे पास टेबल यहाँ पे बन गई है। बिल्कुल बन गई है, तो मैं इस टेबल को पर्टिकुलर हमारी को क्लास असाइन कर देता हूँ बूटस्ट्रैप की, टेबल क्लास, जिससे मेरे पास ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, इसमें अब मेरे पास यानी कि मेरे कार्ट नजर आएंगे। ठीक है, तो अब मैंने करना क्या है, टेबल बॉडी के अंदर मैं अपना पीएचडी स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक फोर इच लूप चलाऊंगा। किसके लिए, कि जब इंसर्ट में जो हमने सेशन के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कराई थी, इसको मैं तोड़ने के लिए। ठीक है, तो भाई सेशन को तोड़ो, मैंने अलग से एक वेरिएबल में इसको तोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है, पक्का, कोई क्वेश्चन यहां तक, कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग? ठीक है, ये जब टूट गया तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे इको के अंदर टीआर बना लेता हूं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, और अब मैंने करना क्या है, यहां पे एक और इको के अंदर मैं बना लेता हूं टीडी। ये टीडी मेरा काम करेगी सीरियल नंबर के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने सीरियल नंबर्स को, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक क्या कर लूंगा, सीरियल नंबर नाम का वेरिएबल में डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, उस पार्टिकुलर सीरियल नंबर को मैं प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एरर है आइको में, बिल्कुल यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं किया, तो भाई देखिए मेरे पास वन आ गया, क्योंकि लूप चल रहा है, बैकग्राउंड में एक सेशन बना हुआ है, तो मेरा लूप चल रहा है इस वक्त। ठीक है भाई, ये आ गया मेरे पास। अब मैंने करना क्या है, मैं यहीं पे देखिए मेरी लॉजिक को सिर्फ समझिएगा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा फोर इंच चलाऊंगा। दूसरा फोर इंच क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि भाई ये इस वक्त सेशन में से सिर्फ प्रोडक्ट्स बाहर निकले। ठीक है, यानी कि सेशन में से ये वैल्यू बाहर निकली है,
है, मगर इस वैल्यू के अंदर भी तीन वैल्यूज हैं, तो तभी मैं इस पे एक दूसरा लूप चलाऊंगा, तभी मैं इस पे एक दूसरा लूप चलाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं कर क्या रहा हूं कि मैं अब जो लूप चलाऊंगा इस प्रोडक्ट्स वाले वेरिएबल पे चलाऊंगा, प्रोडक्ट्स एस की इंटर। ठीक है, क्लियर, एक कंप्लीट मैंने फोर इंच चला दिया। अब मैंने करना क्या है, यहां पे इको के अंदर भाई दूसरी टीडी मेरे किसके लिए होगी, फॉर नेम ना, मगर इस पे ये जो चीज है ना, मैं यहाँ पे इफ में चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तीन है ना, मुझे कैसे पता चले कि भाई कौन सी वैल्यू आ रही है। तो मैच तो कराऊं भाई, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू एंड देन थर्ड वैल्यू टीडीज में। मैंने भाई पहले टीडी में फर्स्ट एरे की वैल्यू यानी कि नेम, सेकंड टीडी में भाई दूसरी दूसरी वैल्यू, थर्ड टीडी में तीसरी वैल्यू। तो इस हिसाब से मैं इसको यानी कि करूंगा। अब मैं इसको कुछ इस तरह से करूंगा, क्योंकि याद रहे फोर इच है ना, और बैकग्राउंड में सेशन हमारा एरे है ना, तो की के अंदर हमेशा जाके इंडेक्स नंबर स्टोर होता है और वैल्यू के अंदर जाके वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे कंडीशन चलाऊंगा वो की पे चलाऊंगा। अगर की मेरा बराबर है टू के, टू से मीन्स दिस जीरो जीरो वन एंड टू, ठीक है, टू से मीन दिस। ठीक है, अगर मेरा की बराबर है टू के, तो भाई ये जो मेरे पास मैंने टीटी बनाई, इसके अंदर क्या करें, वैल्यू प्रिंट करें, ठीक है, कॉनकेटिनेट करके। ठीक है, क्लियर, एक बार सिर्फ रिफ्रेश करके देखता हूं कुछ आ रहा है। तो उसने वन क्यों प्रिंट किया, सब कुछ बाकी के हमने की नहीं भाई। एक की तो मेरे पास आ गई है, ये फोर इंच जब मेरा चल रहा है और प्रोडक्ट्स मेरे दो हिस्सों में टूट चुके हैं। ठीक है, सेशन मेरा यहां से टूट चुका है, तो ये यहां पे वन ही क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी वन है, थर्ड मेरे पास वैल्यू में मेरे पास क्वांटिटी रखी और क्वांटिटी वन दी हुई थी ना, तो वो फर्स्ट लेकर आ गया। ठीक है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आप ये सोच रहे हैं भाई सर को पहले ना बताओ नेम आना चाहिए था, तो उसका मसला नहीं है, उसको हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, क्वांटिटी आ गई मेरे पास, मगर मैं क्या करूंगा, इस आउटर लूप के अंदर एक वेरिएबल बनाऊंगा विद द नेम ऑफ पी इक्वल टू जीरो एंड विद द वेरिएबल क्यू इक्वल टू जीरो, यानी कि प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस के लिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया पी, एंड क्यू के लिए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, क्वांटिटी के लिए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया क्वांटिटी का। ठीक है, और फिर इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, क्योंकि ये क्वांटिटी है, तो मैं क्वांटिटी को वैल्यू असाइन कर देता हूँ। आई बात समझ में? ठीक है, अब भाई अगेन भाई एल्स इफ, ठीक है, मगर इसमें एल्स इफ, हाँ ठीक है, अगर मेरी जो की है वो बराबर है वन के, यानी अब टू के बाद वन, यानी कि अब प्राइस लेकर आएगा, अब प्राइस लेकर आएगा, तो भाई इको में क्या आ जाए मेरे पास, टीटी एंड देन वैल्यू। रिफ्रेश करके देखता हूं भाई आ गया, ये खुद ही आगे होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग तो जीरो से होगी, देन ये मेरा जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आगे होते जाएंगे जैसे जैसे वैल्यूज इनको मिलती जाएंगी। ठीक है भाई, मेरे पास ये भी आ गया, और प्राइस को भी मैं अलग से, जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया है उसको मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा। ठीक है, अगेन एल्स इफ, अगर जो मेरा की है वो बराबर है अब जीरो के, भाई टू वन एंड जीरो, ठीक है, तो इको में क्या करें, डबल कोटेशंस के अंदर भाई टी डी एंड देन टी डी एंड देन डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या लेकर आएगा, नेम लेकर आएगा, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे नेम रखा हुआ है, वन पे प्राइस रखी हुई है, एंड क्वांटिटी सेकंड इंडेक्स पे रखी हुई है। ठीक है, देखो नेम आ गया, ठीक है, मगर ये प्राइस मेरी आगे क्यों मूव हो गई, क्योंकि ये मैंने टी डी क्लोज नहीं की। ठीक है, ये आ गया नेम, आ गया शेड, आ गया क्वांटिटी, मगर हमने इस वक्त एक चीज मिस की, वो कौन सी, क्वांटिटी ना, मैंने ये जो है ना
ये क्वांटिटी मैंने हर हाल में क्या करनी थी, टेक्स्ट बॉक्स रखनी थी। क्यों? क्योंकि इसको अपडेट भी तो कर सकूं, क्योंकि अपडेट तो क्वांटिटी हो सकती है ना भाई। क्वांटिटी में बढ़ाऊंगा ऑटोमेटिकली मेरी रकम बढ़ जाए मेरी। अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाऊं तो ऑटोमेटिकली मेरी क्या हो जाए, रकम बढ़ जाए। आ रही बात समझ में? पक्का? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, उसके बाद भाई ये मेरे पास हो गया। ठीक है, अब मैं इस इनर लूप से बाहर निकलूंगा, इस इनर लूप से बाहर निकलूंगा। बाहर क्यों निकलूंगा? क्योंकि ये इनर लूप मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलाया था ताकि इन चीजों को बाहर निकाल सकूं, प्रिंट करा सकूं। ठीक है, अब बाद में तो मेरे पास बटन्स हैं, तो बटन्स को तो यानी कि अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बटन्स को जो प्रिंट कराऊंगा वो आउटर लूप के अंदर ही कराऊंगा। यहाँ पे इनर लूप के अंदर बटन्स प्रिंट नहीं करूंगा, क्योंकि बटन्स मेरे कहीं सेशन में से थोड़ी ना आ रहे हैं। इनर लूप मैंने सिर्फ सेशन में से वैल्यू निकालने के लिए यूज किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इको करके डबल कोटेशंस के अंदर मैं इनपुट टाइप सबमिट बना लेता हूँ। इनपुट टाइप सबमिट नेम इक्वल टू इवेंट एंड वैल्यू इक्वल टू अपडेट। मैं इसको बूटस्ट्रैप की क्लास भी असाइन कर देता हूँ विद द नेम ऑफ बिटियन वार्निंग, जैसे ऑरेंज कलर का मेरे पास बटन आएगा। मगर ये ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि मैंने इसको टीडी में नहीं रखा। ये ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि मैंने इसको टीडी में नहीं रखा। मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, टीडी एक टेबल डेटा बना लेता हूँ, कॉलम बना लेता हूँ, और उसके अंदर मैंने इसको प्रेस कर दिया। मेरे पास देखें अपडेट का बटन यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी तरह से मैं इसी चीज को पेस्ट करके डिलीट में हम मोस्टली रेड कलर का यूज करते हैं इन डिलीट के बटन में, अपडेट में मोस्टली। ठीक है, क्लियर? अपडेट डिलीट करूंगा तो पर्टिकुलर सेशन मेरा डिलीट हो जाना चाहिए, जबकि अगर मैं इसको करूंगा तो ये मेरा क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। क्लियर? एनी क्वेश्चन यहां तक? कोई भी कंफ्यूजन किसी भी किस्म का? एक चीज सिर्फ हम कर लेते हैं यहाँ पे, एक और क्वांटिटी के बाद में एक और यानी कि टीएच बढ़ा देता हूँ, यानी कि कॉलम बढ़ाता हूँ अपने में, टोटल प्राइस। ठीक है, टोटल प्राइस में कॉलम क्यों बढ़ा रहा हूँ? क्योंकि भाई क्वांटिटी के हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल टू क्वांटिटी है तो प्राइस के साथ वो यानी कि 2000 होने चाहिए। अगर क्वांटिटी टू है, मैंने वहां पे जो चीज पर्टिकुलर परचेस की है वो टू क्वांटिटी में की है, तो यहाँ पे यानी कि भाई ये 1000 की प्राइस के हिसाब से 2000 हो जानी चाहिए। तो टोटल प्राइस में वो 2000 दिखा है। ठीक है, तो वो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक टीएच बढ़ा दिया। ठीक है, अब हम काम लेंगे इनसे, अब हम काम लेंगे। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ऊपर टॉप ऑफ दी यानी कि जहां पे मैंने सीरियल नंबर डिक्लेयर किया था वहां पे मैं एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा, बिल नाम से। ठीक है, और मैं क्या कर लेता हूं यहां पे आउटर लूप के बाद इको में वैसे ही भाई टीडी एंड देन टीडी दिस क्यों ना मैं कुछ ऐसा कर लूं कि भाई बिल इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ये मैंने वेरिएबल सिर्फ उठाई इसलिए थे ताकि लूप चलते वक्त उनके अंदर वैल्यूज स्टोर होती जाएं। ठीक है, क्वांटिटी में क्वांटिटी जाके स्टोर हो गई थी, वैल्यू में जाके वैल्यू, प्राइस में जाके प्राइस स्टोर हो चुकी थी। ऐसे अब वो जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो मेरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, बाय प्राइस अगर 1000 और क्वांटिटी 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 2000 हो गए। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ अपने बिल वेरिएबल को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए मेरे पास फिलहाल 1000 ही बता रहा है क्योंकि क्वांटिटी 1 ही है मेरे पास। क्लियर है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन किसी भी किस्म का? पक्का है? तो यहाँ तक वैसे आज के लिए काफी है। ठीक है, कल हम अपडेट एंड डिलीट पढ़ के अपनी शॉपिंग वेबसाइट को यानी कि इस एड कार्ट सिस्टम को अपनी शॉप, असल में ये कंप्लीट शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, ये ओनली शॉपिंग कार्ट है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ कार्ट का काम। ठीक है, कंप्लीट शॉपिंग में तो फिर बहुत कुछ आ जाता है ना, वो तो फिर यानी कि कंप्लीट वैसे डिजाइन करनी पड़ेगी वैसा, यानी काफी मेहनत का काम है। ठीक है, और
असल में मेहनत उसमें इतनी मेहनत नहीं, मगर टाइम ज्यादा चाहिए क्योंकि उसमें काम ज्यादा करना पड़ता है, तो इतना हमारे पास टाइम है नहीं। तो इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज थी सबसे ज्यादा, जो हर शॉपिंग वेबसाइट की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो यही होती है कार्ट उसका, कि भाई किस तरह से चीज कार्ट में जा रही है और किस तरह से वो कार्ट में से व्यू होके यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ठीक है, क्लियर। तो भाई ये हमने पढ़ लिया और कल हम इंशाल्लाह इसको इसके अंदर अपडेट एंड डिलीशन पढ़ के अपनी शॉपिंग इस कार्ट को हम कंप्लीट कर देंगे, क्लोज कर देंगे, एंड फ्रॉम परसों हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो भी हमारा होगा टॉपिक में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो। एंड मैं अपने व्यूवर्स को भी ये कहना चाहूंगा कि कोई क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।